नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार टॉप 10। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। केजरीवाल ने पूछा, पीएम मोदी बताएं उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कहा कि पीएम मोदी के रिटायर होने का खंडन सिर्फ भाजपा के नेताओं ने किया है। पीएम मोदी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। अगर पीएम मोदी रिटायर नहीं होंगे तो वे कह दें कि 75 साल पर रिटायरमेंट का नियम उन पर लागू नहीं होगा। संदेश खाली मामले में नया वीडियो, टीएमसी बोली भाजपा नेता ने प्रोटेस्ट के लिए 70 महिलाओं को 2000 रुपये दिए। संदेश खाली मामले में नया वीडियो सामने आया है, इसमें भाजपा नेता गंगाधर कायल टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली 70 महिलाओं को 2000 रुपये देने की बात कहता नजर आ रहा है। वीडियो पर टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने कहा कि भाजपा के फर्जी नैरेटिव की सच्चाई सबके सामने आ रही है। कांग्रेस का दावा, हरियाणा की भाजपा सरकार अल्पमत में, विपक्ष के 45 MLA की लिस्ट गवर्नर को दी। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदर, सोमवीर सांगवाना ने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया है। कांग्रेस विधायक और चीफ व्हिप भारत भूषण बत्रा ने सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के 45 विधायकों की लिस्ट गवर्नर बंटारू दत्तात्रेय को दी गई है। पीएम बोले, संदेश खाली की बहनों को डराया जा रहा क्योंकि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में कहा कि संदेश खाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब टीएमसी के गुंडे संदेश खाली की बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं क्योंकि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। पीओके में बढ़ती महंगाई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी, राष्ट्रपति जरदारी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। पाकिस्तान बढ़ती महंगाई के विरोध में पाकिस्तान के कब्जे वाली जम्मू कश्मीर पीओके में 2 दिन से हिंसक प्रदर्शन जारी है। इस दौरान हुई झड़प में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पीओके में 1 किलो आटा 800 रुपये पाकिस्तानी रुपये में और 1 रोटी 25 रुपये में मिल रही है। देश की महंगाई पर राष्ट्रपति जरदारी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। IPL के दूसरे मैच में बैन के कारण ऋषभ पंत आज नहीं खेलेंगे। IPL में आज डबल हेडर का दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से RCB और DC के बीच बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में पहली बार आमने सामने होंगी। आज के मैच में DC के रेगुलर कप्तान ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे, उन पर स्लो ओवर रेट के लिए एक मैच का बैन लगा है। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री शाह बोले, राहुल बाबा ये देश है, परचून की दुकान नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के कुंडा में कहा कि मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो क्योंकि उनके पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर मत मांगिए, अरे राहुल बाबा आपको एटम बम से डरना है तो डरिए, हम नहीं डरते, पीओके भारत का है, हम लेकर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे फेज में 13 मई को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। इस फेज में कुल 1,717 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें 1,540 पुरुष और 170 महिला उम्मीदवार हैं। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज़्यादा भाजपा ने 42, YSR कांग्रेस ने 22, BRS ने 9 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी, अन्य को 17 सीटें मिली थी। हरियाणा के पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला की किसानों से बहस हुई। हरियाणा के पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला की चुनाव प्रचार के दौरान हिसार में किसानों से बहस हुई। उन्होंने उचाना में महिलाओं के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि तब तुम लोग किसान कहाँ थे। इस पर किसानों ने चौटाला से कहा कि जब किसान आंदोलन में शुभकरण की मौत गोली लगने से हुई थी तब आपने कुछ बोला क्या। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि देश को खतरा होने पर न्यूक्लियर बम बनाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि अगर ईरान के अस्तित्व को कोई भी खतरा हुआ तो वह इसका सामना करने के लिए परमाणु बम बनाएगा। यदि इसराइल ने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया तो हमें अपनी रक्षा के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार।